ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं और भी शर्म की बात है। राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहां भी लोगों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है, लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है, क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था।